मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में क्लास 7 का रक्त और हमारा शरीर जो शिक्षक से है उसको पाठ का अध्ययन कर लिया है। अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं जिसमें है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ ही एक पिटारे की भांति भांति की वस्तुएं खून की भानुमति का पिटारा कहा जाता है, क्योंकि यदि सूक्ष्म दर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी इसमें पाए जाते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोज्य पदार्थों में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाने चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन पूरी तरह मिलते रहें। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए सफाई से बने भोजन खाना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए और साफ जल पीना चाहिए। हमें कभी भी खाली पैर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ज़मीन की ऊपरी सतह पर एक प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। ये अंडे से उत्पन्न लार्वे की सहायता से शरीर में प्रवेश कर हाथों तक पहुँच जाते हैं, इसलिए हमें नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। सफ़ेद रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, इनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ये हमारी बहुत से रोगों से रक्षा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान क्यों, रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का जांच वहां से लिया जा सकता है, उसे मरीज की जान बच सकती है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। सफ़ेद कण सांस नली, लाल कण फेफड़े। उत्तर है लाल कण। ये हो गया आपका रक्त और हमारा शरीर का प्रश्न अभ्यास। इसको अपने कॉपी में लिखो।